जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी हमें राजकोट सिटी में और अभी सुबह के हुए हैं 8:30। तो यहाँ से हमें जाना है बहुचरा जी, जो कि यहाँ से 220 किलोमीटर है, और वहाँ से हमें पहुँचना है कंपनी में बी शिफ्ट में। तो देखते हैं हमारी हंटर हमें 1 बजे तक वहाँ पहुँचाती है या नहीं। आप भी बने रहिएगा और देखिएगा कि हम पहुँचते हैं या नहीं। ये देख लो राजकोट के अंदर का व्यू, सब बंद पड़ा है, धीरे धीरे सब खुलेगा। यार एक बात बताता हूँ, इस तरीके से जो मोटो व्लॉगिंग होती ना, वो एक ड्रीम हुआ करता था मेरा भी, और आज ऐसे सच में मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। तो भाई ये राजकोट से हम निकल चुके हैं और अभी 9:30 बजे हैं। जहाँ पे भी पेट्रोल पंप आएंगे वहाँ टैंक फुल करवा लेते हैं। वो सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है एचपी का, फुल कर दे। देखो टोटल 233.6 किलोमीटर चली है, 233.6 चली है और पेट्रोल आया है 6.59, इतना आया है। तो हमें 35.5 की एवरेज मिली है भाई। देखो ये 233 किलोमीटर में 35.5 की एवरेज मिली है। तो चलो फिर, ये राजकोट का मेन हाईवे आ गया है और यहाँ से हम सर्विस हाईवे है वो छोड़ के मेन हाईवे में चले जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वॉल के साथ। हम आ चुके हैं राजकोट चोटीला हाईवे पर। क्या मस्त चलती है ना गाड़ी, रोड देखो एकदम मक्खन जैसे रोड है। एक बात तो है, ये इस तरीके के जो एक्सप्रेसवे होते हैं ना, उसमें हम बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि आसपास इतना कुछ होता नहीं है, और अगर आप देखो तो इसमें दुकानें भी बहुत दूर दूर आती हैं। और आप लोग ना यार मुझे एक बात बताना कि मोटो व्लॉगिंग करते हुए वीडियोस डालूं या नॉर्मल वीडियोस डालूं, तो एक बार आप कमेंट जरूर करना। तो ये देखो बात करते करते चोटीला भी पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़े चाय नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये है राजकोट अहमदाबाद हाईवे और अभी हम खड़े हैं वो है चोटीला सिटी, जहाँ पे चामुंडा माता जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है पर्वत के ऊपर। जो ये आपको झाड़ दिख रहा है उसके पीछे है, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो पर्वत। तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, चलो कुछ ठंडा पी के यहाँ से चलते हैं। चलो फिर तो यहाँ से निकलते हैं। और ये देख लो चोटीला का ट्रैफिक। अब तो यार रिटर्न घर कब जाएंगे कुछ पता नहीं है, मतलब घर तो जाएंगे लेकिन अपनी हंटर को लेकर कब जाएंगे कुछ पता नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ चोटीला ज़रूर आएंगे एक बार अपनी हंटर को लेकर। और यार अब यहाँ से सिंगल लेन शुरू हो जाएगा रास्ता, बहुत ही दिक्कत होगी। ये देख लो रास्ते भाई, ये 220 किलोमीटर की ट्रिप में 130 किलोमीटर के आसपास तो यही ऐसे ही रास्ते हैं यहाँ पे। और ये अब हम सुरेंद्रनगर पहुँच चुके हैं, यहाँ से बचा है बस 90 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन। आइए सुरेंद्रनगर की ट्रैफिक देखते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक और अब यहां से बचा है जस्ट 15 किलोमीटर भाई। अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और भाई ये देख लो गर्मी का असर, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। और यहां से निकलते हैं क्योंकि मुझे 2 बजे कंपनी जाना है और अभी 1:30 बज चुका है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।